ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं, रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल का आज पानीपत में रोड शो है। दरअसल पूर्व सीएम मनोहर लाल आज पानीपत में रोड शो करेंगे। पानीपत के गांव छाजपुर से शुरू होकर समालखा में खत्म होगा ये रोड शो, कई गांवों से होकर गुजरेगा मनोहर लाल का रोड शो। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज मनोहर लाल का रोड शो है। पूर्व सीएम मनोहर लाल आज रोड शो करेंगे, छाजपुर से समालखा तक पूर्व सीएम का ये रोड शो होगा, जो कई गांव से होकर गुजरेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, कई गांव से होकर गुजरेगा मनोहर लाल का ये रोड शो, जो कि छाजपुर से शुरू होगा समालखा तक जारी रहेगा। इस बीच पूर्व सीएम के समर्थकों का हुजूम एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रोड शो काफी लोकप्रियता बटोरता हुआ नजर आएगा। कल भी पूर्व सीएम ने रोड शो किया था, उसमें भी समर्थकों का हुजूम देखने को मिला था। आज फिर रोड शो है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के की जाएंगी? राजनीतिक रोड शो देखते हैं, लेकिन मेरे को ये कूटनीतिक रोड शो है। वजह ये है कि छाजपुर गला पानीपत हरिद्वार रोड पर छाजपुर कला गांव है, पानीपत ग्रामीण का एरिया है। हालांकि प्रांत ग्रामीण के विधायक बीजेपी के महिपाल ढांडा है, मंत्री भी हैं। तो छाजपुर कला से यही रोड शो सुबह 7 बजे निकलना है। रास्ते में करीब एक दर्जन गांव से गुजरेगा। ये वो एक दर्जन गांव है जो समालखा विधानसभा में आते हैं, और समालखा में अभी कांग्रेस के विधायक धरम सिंह छोकर है, उनका मजबूत गढ़ है कांग्रेस का। और क्योंकि वो आजकल ईडी के चक्रों में फंसे हुए हैं, उनके बेटे को ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है, कई केस चल रहे। तो समालखा सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती आज तक, इस बार समालखा सीट पर बीजेपी नजर लगाए हुए, क्योंकि कांग्रेस विधायक ईडी के सीबीआई के चक्रों में कई केस चल रहे हैं, उनके बेटे तो अरेस्ट हुए हैं। और धरम सिंह छोकर भी अभी कहा यह जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से वो अभी अंडरग्राउंड है। तो एक स्ट्रेटेजिक जिसको कहते हैं रोड शो है, एक दर्जन गांव से गुजरेगा। ज्यादातर गांव वो हैं जो समालखा विधानसभा में आते हैं। तो 7 बजे का अभी का टाइम शुरू होने वाला है, एक दर्जन गांव के बाद ये 11:30 बजे समालखा विधानसभा में खत्म होगा। और समालखा के जो बीजेपी नेता है वो शायद प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि इस बार ये सीट बीजेपी के खाते में आ जाए, जो अब तक नहीं आई है। तो इसको स्ट्रेटेजिक राजनीतिक से ज्यादा स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक में रोड शो कहूंगा। प्रगति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।